हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पेंटेड रस्ट वाले मेटल कैसे बनेंगे। जैसे देखा है यहाँ पे बहुत बढ़िया पेंटेड है, ठीक है, पेंट कर रखा है, रेड कलर का पेंट कर रखा है, उस पर थोड़ा सा कॉर्नर पे स्क्रेचेज हैं, फिर कैसे कैसे कॉर्नर पे कहीं पे स्क्रेचेज डेंट वो सब कुछ है, उसके बाद उसमें तो रस्ट का इम्पैक्ट दे रखा है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडर मैंने कर दिया ऑफ, क्योंकि मेरे पास सीन है, सबको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें चाहिए वो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मैंने क्ले बना रखा है, ठीक है। अभी इन सबों को मैंने क्या कर दिया, सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्ले में डाल के मैं बंद कर देता हूँ कि भाई मुझे भी ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेयर को मैंने कर दिया क्ले में क्या, ठीक है, क्ले में क्या इसको मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। बेकिंग हम लोगों ने बेसिक कर दिया क्या, टेक्सचर बेक वाला प्रोसेस मैंने कर दिया क्या, बेसिक बेक हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को क्या करना है, बेसिक बेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक बेक कर देंगे तो वहाँ पर यहाँ पे काम हो जाना, ठीक है। नॉर्मल बेकिंग हमने किया कि हम लोगों ने जो मॉडल है उसी को सेल्फ हाई पॉली में लगा के हम लोगों ने बेकिंग कर दिया, ठीक है। बेकिंग भी पास यहाँ पर हो जाएगा, तो ये बेसिक बेकिंग आप कर लोगे। अभी क्या, जब हम लोग कोई भी मेटल बनाते हैं, देखो तो मेटल के अलग अलग टाइप हैं, एक है मेटल है, एक है रस्टेड मेटल है, ठीक है, एक में रस्ट के साथ, फिर एक है पेंटेड मेटल होता है, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें, तो उसको कैसे कैसे करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सारे मैप बिक हो गए 2K के साइज में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें तो हम लोग देखें यहाँ पे, ये आपका बिक हो गया, चलो डन। अभी सबसे पहले क्या काम करना है, जब मैं यहाँ पे काम करूँगा तो यहाँ पे लेयर पे आ गए, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला लेयर जब हम लोग काम करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहला जो लेयर लेना है वो हम लोग उसे से बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल में पहुँचते हैं, मटेरियल में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मटेरियल में मुझे चाहिए आयरन आयरन आयरन, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है। आयरन मैंने उठा लिया यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सिंपल सा पार्ट एक लेयर मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आयरन आ जाएगा, ठीक है। आयरन को यहाँ पे क्या करते हैं, आयरन मैंने यहाँ पे लिया, इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ थोड़ा सा डार्क, ठीक है, डार्क मैंने किया तो थोड़ा सा डार्क और बेटर देखिए यहाँ पे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आयरन को यहाँ पे मैनेज कर देंगे, यहाँ पे आयरन मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आफ्टर देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक लेयर क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, क्लियर ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे जो दूसरा लेयर लेना है, ठीक है, मैं लेयर को यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ, मेरे पास लेयर टू है, इस लेयर को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल द पार्ट जो मेटलिक है, मेटलिक वाला पार्ट को रखना है, फिर थोड़ा सा मेटलिक किया देते मैंने टू, ठीक है, रफनेस ये भी है 0.2 कर देते हैं यहाँ पे, कलर जो भी मन में आया, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपको लगता है, मैं रेड मिला रेड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया रेड, ओके। रेड लेने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मैं बस यहाँ पे लेयर टू मैंने जो लिया यहाँ पे, ठीक है, लेयर टू में मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कलर कलर या फिर पेंटेड कह सकते हो, ठीक है, कलर लिया मैंने यहाँ पे। थर्ड लेयर रिकॉर्ड लेते हैं जो हम लोगों का होगा रफनेस, ठीक है, ये रफनेस के लिए है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाकी सब चीज़ को मैंने ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नाम भी दे दूँगा रफनेस और UGH रफनेस, ठीक है, ये आपका क्या होगा थर्ड लेयर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, थर्ड रफनेस लेयर, ओके। रफनेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐड ब्लैक मास्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड फिल कर दिया, फिल करने के बाद इसके अंदर मैं चलता हूँ गंजेस के अंदर, देखो यहाँ से लेफ्ट क्लिक में से ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक से ऊपर किया तो मेरे पास यहाँ पे ग्रंजेस है, ग्रंजेस में जाके मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, ग्रंजेस पेंट, ठीक है, ग्रंजेस पेंट है, इसको मैंने उठा के यहाँ डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी विजुअल होंगे आप, देखो देखो अब इसको देखो ऑन ऑफ करके देखो तो ये ठीक है भाई, ये हमने कर दिया, बैलेंस बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, देखें ना ये कितना बढ़ाने वाले, ये आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये साइनिंग आपको यहाँ पे साइड बाई साइड देखेगा, एकदम से नहीं देखेगा लाइटिंग के साथ, ओके, ये मैंने किया, ठीक है, बैलेंस रफनेस लिया, रफनेस के बाद मैं एक और लेयर ले सकता हूँ, जो मैंने लेयर को कर दिया 4, ठीक है, मैंने कर दिया HIGHT हाइट, हाइट कर दिया, तो हाइट में मुझे हाइट ही चाहिए, तो हाइट के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, यहाँ पे मैंने मैनेज करूँगा 0.05, ठीक है। हाइट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाइट के अंदर मैं अगर मैं देखूँ तो मुझे अभी इसमें भी क्या करना है, ऐड, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे ब्लैक मास्क कर लूँगा, यहाँ पे ब्लैक मास्क में ऐड फिल लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे,
फिल में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रंजेस के अंदर जैसे मैंने ग्रंजेस लिया, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीजर में चलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। मैं उस प्रोसीजर कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यहाँ पे प्रोसीजर भी मिलेगा। प्रोसीजर में क्या, यहाँ पे 3D पर्लिन नॉइज फैक्टर ये उठा के आप यहाँ डाल दो। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ देखना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे देखो कितना आपको डेप्थ चाहिए, वो डेप्थ आपको पॉजिटिव में निगेटिव में मिल जाएगा। ओके, तो हमने ये किया सिंपल वर्ड प्रोसीजर में 3D पर्लिन डाल दिया। अभी देखो इन सबों को मैं पे क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप होगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पेंटेड पेंटेड लेयर LAYER पेंटेड लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, अभी पेंटेड लेयर करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेंटेड लेयर में जाके मैं यहाँ पे करता हूँ स्मार्ट मास्क है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अभी स्मार्ट मास्क। स्मार्ट मास्क में गए, ठीक है, पेंट पेंट PAINT पेंट यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे एक पार्ट है स्केचिस्ट। ठीक है, इसको मैंने उठा के डाल दिया। तो यहाँ पे कोई आपको बहुत बढ़िया देखिएगा, यहाँ पे अब चीज़ को बना सकते हो। देखो इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड ग्रंजेस पे गए, ग्रंजेस को जाके मैंने यहाँ पे बैलेंस बढ़ाया। यहाँ पे बैलेंस कितना करना है, देखें अभी ये मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे क्या करना है, स्केच क्वालिटी, स्केच क्वालिटी देखना भाई, स्केचेज आप बढ़ा सकते हो। स्केच स्टाइलिंग है, स्केच स्टाइलिंग के साथ आप काम कर सकते हो। स्केच वर्ड्स ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे स्केच लेंथ है, स्केच लेंथ को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट लाइन ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा दिखाना पुराना दिखाना मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ सेट कर दिया। यहाँ पे जो भी है डबल स्केच दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करोगे, प्ले करोगे तो आप चीज़ को बना सकते हो। सबसे अंदर सबसे बढ़िया और मैनेज चीज़ क्या है कि भाई इसके अंदर आपको सब फीचर ऑन द स्पॉट आपको देखेगा। देखो दस दस इंटेंसिटी है, कितने क्या काम हो रहा है, उसको आप मैनेज कर लो इसका। चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल बैलेंस कॉल ग्लोबल बैलेंस दिखा पे थोड़ा सा बढ़ाओ। ये देखो मुझे कितना पुराना करना है, कहाँ से पेंट हटना है, कॉन्ट्रास्ट पे गए थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा दिन थोड़ा सा एम्बिएंट ओक्लूजन के साथ मैंने प्ले किया। ठीक है, कर्वेचर एंड ऑपेसिटी है, देखो कितना कम ज़्यादा करना है मुझे यहाँ पे। ये मुझे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देना, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि मैं थोड़ा सा बनाने लगे। ठीक है, ये बात देखो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया। ठीक है, ये मैंने पेंट डबल स्केच मैनेज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी देखो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा ऐड, ऐड में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, जनरेटर पेंट लेवल्स लेते हैं। लेवल्स में क्या, लेवल्स को तो सब मुझे मैनेज करना, देखो मैनेज यहाँ पे कर पा रहा है। देखो यहाँ देखो तो आपको देखिएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, कितना मुझे मैनेज करना देगा आप। ओके, लेवल्स के थ्रू भी हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देंगे यहाँ पे भाई। ठीक है, यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है, देखो ये भी काम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एड लेवल कर दिया, एड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया RUST रस्ट, और रस्ट उठा कर डाल दिया मैंने सबसे इस लेयर के ऊपर। ठीक है, अब रेस्ट दिख रहा है, रेस्ट पे गए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऐड ब्लैक मास्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बस होता है, ठीक है, जनरेटर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड जनरेटर कर दिया। यहाँ पे जनरेटर में जाओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ड्रिपिंग दिखेगा, ड्रिपिंग पे आ जाओ। देखो ड्रिपिंग में आप देखोगे तो आपको सीधे मिल जाएंगे। ड्रिपिंग में फेज की प्रॉपर्टीज में आओ, देखो प्रॉपर्टीज मैंने बगल में रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों मैनेज करो कितना आपको पार्ट मैनेज करना है, कॉन्ट्रास्ट देखो कितना कॉन्ट्रास्ट कैसे मैनेज करोगे, ड्रॉप इंटेंसिटी देखो इंटेंसिटी कैसे देखो, देखो यहाँ पे कितने आपको चाहिए वो दिखाना है, कैसे आपको चाहिए तो सब फुलफिल देखें यहाँ पे। ओके, स्मूथनेस ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्मूथनेस। ठीक है, यहाँ पे क्या सैम्पलिंग है, थोड़ा सा आप ऐसे देखोगे तो आपको चीज़ काफ़ी हद तक बहुत बड़े देखेंगे यहाँ पे। तो भी देखो एक बेसिक से आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओ तो आपके पास यहाँ पे चाहिए फुलफिल हो जाएगी, और आप चीज़ों को देखोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे चाहिए बेटर देखिएगा आपके पास एक बढ़िया सा हम लोगों ने पेंटेड रस्टेड मटेरियल हम लोगों ने बनाया पेंटेड मेटल।